6th class maths chapter 7 fraction exercise 7.5. इस exercise में हम fraction वाली add और subtraction करेंगे. तो अभी इसमें addition ही करेंगे और subtraction भी करेंगे, ठीक है ना. तो fraction में जो add होती है और subtract होती है वो किस way में होती है वो हम इस question में करेंगे. तो मैं पहले कुछ example से थोड़ा करना समझा देता हूँ. तो इस exercise में जो हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं. एक होता है numerator और एक होता है denominator, है ना. तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं. जब हम मतलब एडिशन के लिए हमें दे रखा है कोई भी क्वेश्चन 2 by 5 + 5 by 5, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, बोल रहे हैं इन दोनों को ऐड करना है. तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो हमारे सेम होने चाहिए. जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो हमारे सेम होने चाहिए. न्यूमरेटर को फिर हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर जो सेम है वो कॉमन एज इट इज़ उतर जाएंगे और इनका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. और अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो उसमें भी उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना. तो इसी वे में आपको ये करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. राइट द फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशन एंड और सब्ट्रैक्शन. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इनकी फ्रैक्शंस लिखनी है और उसमें बताना है कि ये सारी जो फ्रैक्शंस है ये यहाँ पे आपने बताना है कि ये ऐड होके ये बन रही है या फिर ये सब्ट्रैक्ट होके ये आंसर आ रहा है. तो ये आपको बताना है. तो जैसे कि हम इसकी फ्रैक्शंस लिख लेते हैं सबकी. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 है और टोटल 5 है और जिसमें से 1 शेडेड है यानी कि 1/5. इसमें क्या हो जाएगा 2/5 एंड इसमें क्या हो जाएगा 3/5. अब एक चीज़ देखिए कि 1/5 में 2/5 को प्लस करा होगा या माइनस करा होगा तो 3/5 बना होगा, क्या करा होगा. अगर मैं इसको माइनस करूं तो भी तो डेनोमिनेटर सेम ही होगा, है ना. और अगर 1 में से 2 माइनस करूं तो आंसर तो कुछ अलग ही हो जाएगा. अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 3/5. यानी कि यहाँ पे क्या करा हुआ है 3/5 इन फ्रैक्शंस को ऐड करा है यानी कि यहाँ पे जो दोनों फ्रैक्शंस है. सेकेंड वाले में इसमें टोटल है कितना 1, 2, 3, 4, 5 और 5 ही शेडेड है, ठीक है ना. 1, 2, 3, 4, 5 ही शेडेड है एंड इसमें 1, 2, 3 शेडेड है 5 में से. अब यहाँ देखो आंसर में क्या है 1, 2 है और 1, 2, 3 टोटल कितना है 5 है, ठीक है ना. अब देखते हैं 5/5 है और 3/5 है. अगर हम इनको ऐड करें तो 5 और 3 ऐड होके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 5 और 3 ऐड होके. और अगर मैं माइनस करूँ 5 - 3 तो क्या हो जाएगा 2. यानी कि यहाँ पे क्या करिए सब्ट्रैक्शन करिए. तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, ठीक है ना. और उसके बाद सी पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने हैं 6 और शेडेड 2. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड शेडेड 1, 2, 3, ठीक है ना. तो इसके बाद यहाँ आंसर में क्या कर रखा है 1, 2, 3, 4, 5 5/6. यानी कि अगर 3 को 2 के साथ माइनस करूँ तो फिर तो आंसर माइनस में हो जाएगा या फिर अगर कर भी लेते हैं तो 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है लेकिन यहाँ 5 दे रखा है. और तो यानी कि हम क्या करा होगा, हमने इसमें 2 + 3 5 ऐड करा होगा. उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. ए पार्ट में हमने क्या करा है कि जो 1/5 थी शेडेड उसमें हमने 2/5 हमारा क्या बन रहा था 3/5 बन रहा था एंड हमने क्या करा उसमें ऐड. और इसको आप ब्लैक के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना. बी पार्ट में भी सेम ऐसे ही 5/5 है एंड 3/5 था एंड आंसर हो रहा था 2/5. तो क्या करेंगे माइनस. सी पार्ट में भी सेम 2/6 एंड 3/6 इज इक्वल टू 5/6 बन रहा था. तो 2/6 था एंड 3/6 एंड हम इसको क्या करेंगे प्लस 5/6, ठीक है ना. तो बिल्कुल इजी था ये. तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है. फर्स्ट पार्ट उठाते हैं ए पार्ट 1/18 + 1/18. ये बिल्कुल इजी है. इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें थोड़ा नया आ जाएगा स्टेप. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है. तो देखिए हमने बोला ही था कि डेनोमिनेटर सेम होनी चाहिए. क्या डेनोमिनेटर सेम है? हाँ है. यानी कि वो तो कॉमन उतर जाएगा सेम और ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे 1 and 1, 2. अब ये 2/18 है, इसको आप चाहो तो काट सकते हो. इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. 2 और 18 दोनों 2 के टेबल में आता है. ये आता है 1 नंबर पर और ये 9 नंबर पर, ठीक है ना. तो जैसे आप चाहो 2/18 लिख सकते हो, 1/9 दोनों आंसर हैं. बी पार्ट 8/15 + 3/15. तो डेनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ उतर जाएगा एंड 8 and 3 11 ऐसे, ठीक है ना.
अब हम आते हैं सी पार्ट पे, जिसमें है 7/7 - 5/7। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम हो जाएगा एंड 7 - 5 = 2। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ लास्ट पार्ट पे, बाकी सब आप कर ही सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट पे मैं आता हूँ आई, जिसमें लिखा है 3 - 12/5। देखो मैंने हमने सीखा था कि सारे नंबर फ्रैक्शंस में होने चाहिए, तो ये फ्रैक्शंस में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन तो हम बना सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये फ्रैक्शंस हो जाएगी, है ना। लेकिन मैंने बोला था कि सारे नंबर नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम होने चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं हो रहे। अगर मैं यहाँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, है ना, जो 3/1 है, अगर यहाँ 5 हो जाए तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 5 से, और नीचे करा है तो ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे करा है तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा ना। तो 5 3 ऊपर तो 15 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -12/5 हो गया। अब क्या हो गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 5 15 - 12 क्या हो गया, 3। एक बार फिर कर लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे करा हमने। नीचे हमारे पास पहले ये नंबर जो था फ्रैक्शन में नहीं था, तो पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 3/1 हुआ, और हमने देखा डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी तो कॉमन होएगा आंसर, जैसे यहाँ पे हुआ। तो डिनोमिनेटर हमने सेम बनाना है, तो मैं इसको तो डिवाइड करूँ अगर 5 से तो ये तो मेरा 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 12 से जो 5 है, इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ा नंबर बनाना था क्योंकि हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, अगर बड़ा बनाना है तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कर सकते हैं ना, तो 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, और जब नीचे करना पड़ रहा है तो ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि ये दोनों कटे हुए दिखाई दे सकें, और फिर इसके बाद भी ये दोनों काट के हम 3 कर सकें इसको, ठीक है ना। तो यही बिल्कुल इसी तरीके से हमने माइनस करा इसमें, इसके बाद कॉमन आ गया, एंड 15 - 12 - करा तो 3/5। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। उसने, जो शुभम है, उसने जो पेंट करा अपनी वॉल का, अपनी वॉल के जितना भी स्पेस था उसमें 2/3 इसने, शुभम ने पेंट करा। तो शुभम ने कितना करा, शुभम पेंटेड 2/3। एंड हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, एंड उसकी जो सिस्टर थी उसने पेंटेड करा, वो उसने करा 1/3, मतलब इसने इतना पेंट करा शुभम ने, एंड उसकी सिस्टर माधवी ने इतना पेंट करा। उसके बाद हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, उन्होंने इकट्ठे होकर, मतलब टोटल जब उसने इतना पेंट करा और उसने भी इतना पेंट करा, तो इन दोनों का पेंट टोटल किया कितना इन्होंने, तो इसका मतलब क्या मांग रहा है, यानी कि ऐड करना है हमें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसने पेंट करा और इसने पेंट करा तो बताओ कितना पेंट करा था, यानी कि दोनों को जोड़ के हम बता सकेंगे कि दोनों ने पेंट कितना करा। तो हम लिखेंगे दे पेंट टुगेदर कितना करा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, 2/3 + 1/3, देखो डिनोमिनेटर सेम है, 3 उतर जाएगा, 2 and 2 + 3, फिर इसको काट के हम क्या दिखा सकते हैं, 1, ठीक है। उन्होंने कितना पेंट करा उसको ऐड कर देना था। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। मिसिंग फ्रैक्शन दे रखी है, उसको आपने फिलअप करना है, यानी कि यहाँ या आपके फ्रैक्शंस मिसिंग है ए पार्ट में एंड बी पार्ट में, तो इसको हम फिलअप करेंगे। तो 7/10 है और उसको माइनस कर रखा है किसी ऐसे नंबर से, तो हमारा आंसर आता है 3/10। देखो यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, 10 हुआ होगा, तभी तो ईजिली माइनस हो सके होंगे, है ना। एंड यहाँ अब हमें ये देखना है कि इसको कितने में से माइनस करा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी तो हमारा आंसर सेम हो पाता है। तो डिनोमिनेटर सेम है तभी तो हमने ईजिली माइनस कर पाए होंगे, 10 में से 10 तो फिर कॉमन हुआ होगा, एंड 7 में से कितना माइनस करूँ कि 3 आ जाए, तो 7 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन हुई होगी वो 4/10 हुई है, क्योंकि नीचे का तो नंबर सेम ही होता है, हमें ऊपर देखना है कि इसमें से कितना माइनस करा होगा जो हमारा आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ब्लैंक दे रखी है फ्रैक्शन, एंड 3/21 माइनस कराया, मतलब कि एक फ्रैक्शन है जिसमें से हमने 3/21 माइनस करा और हमारा आंसर आ रहा है 5/21, यानी कि 21 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, 21 हुआ होगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर कि मैं किसी नंबर में से 3 माइनस करूँ तो 5 बचता है, तो मैं किस में से 3 माइनस करूँ कि 5 बच जाए, अगर मैं 7 में से 3 माइनस करूँ तो 4 बचता है, और अगर मैं 8 में से 3 माइनस करूँ तो क्या बचता है, 8 - 3 = 5, यानी कि यहाँ क्या हुआ होगा, 8/21
21. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जावेद वॉज गिवन अ बास्केट ऑफ 7 oranges. 7 oranges की उसे एक बास्केट दी. ही सोल्ड ओनली 5 oranges. उसने 5 oranges सोल्ड कर दिए. विच फ्रैक्शन ऑफ oranges वॉज लेफ्ट इन द बास्केट. देखो यहाँ किसी क्वेश्चन में शुरू में ही फ्रैक्शन ही नहीं दिया आपको, और लास्ट में आपको आंसर में फ्रैक्शन मांग रहा है कि विच फ्रैक्शन ऑफ oranges वॉज लेफ्ट इन द बास्केट. कितनी फ्रैक्शंस बच गई, मतलब कि अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि 7 oranges थे, 5 भेज दिए, तो आप आंसर बोल दोगे कि 2 बचे, 2 oranges बास्केट में बच गए, है ना. तो आप तो उसको बिल्कुल ईजिली बता दोगे आंसर, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में मांग रहा है, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है, यानी कि ये और ये, कि कितनी ये था और कितना ये था, इसको आप माइनस करोगे फिर आप बताओगे, है ना. तो यानी कि हमें इसकी फ्रैक्शन बनानी है. अच्छा, हम फ्रैक्शन बनाते हैं. टोटल ओरेंजेस कितने थे और इस टाइम पे बास्केट में कितने हैं? 7. टोटल ओरेंजेस कितने थे? 7 है, क्योंकि हम लिखते थे ना ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया और नीचे हमसे जो टोटल है, तो नीचे टोटल कितना है? 7 है. एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ओरेंजेस है कितने इस टाइम पे, तो 7 ही है ना, यानी कि 7/7 ओरेंजेस थे इस टाइम पे. एंड टोटल ओरेंजेस कितने हैं? 7, जिसमें से सोल्ड कितने करें? 5 सोल्ड करें, यानी कि ये भी फ्रैक्शन बन गई 5/7. अब इन दोनों में से अगर हम माइनस करें तो हमारा पता चल जाएगा आंसर. तो द फ्रैक्शन ऑफ ओरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट इज 7/7 - 5/7. और इनको माइनस करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 and 7 - 5 = 2, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 2. तो ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट हो चुकी है.